सुल्तान नूरुद्दीन जंगी इशा की नमाज पढ़कर सोए कि अचानक उठ बैठे और नम आंखों से फरमाया, मेरे होते हुए मेरे आका मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कौन सता रहा है। आप इस ख्वाब के बारे में सोच रहे थे जो मुसलसल 3 दिन से उन्हें आ रहा था और आज फिर चंद लम्हों पहले उन्हें यही ख्वाब आया जिसमें सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो अफराद की तरफ इशारा करके फरमाया कि ये मुझे सता रहे हैं। अब सुल्तान को करार कहाँ था। उन्होंने चंद साथी और सिपाही लेकर दमिश्क से मदीना जाने का इरादा फरमाया। उस वक्त दमिश्क से मदीना का रास्ता 20 से 25 दिन का था मगर आपने बगैर आराम किए ये रास्ता 16 दिन में तय किया। मदीना पहुंचकर आपने मदीना आने और जाने के तमाम रास्ते बंद करवाए और तमाम खासो आम को अपने साथ खाने पर बुलाया। अब लोग आ रहे थे और जा रहे थे। सुल्तान उन दो चेहरों के तलाश में था। आप हर चेहरा देखते मगर आपको वो चेहरे नजर न आए। अब सुल्तान को फिकर लाहक हुई और आपने मदीने के हाकिम से फरमाया कि क्या कोई ऐसा है।